अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ एक बेहतरीन मोबाइल के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने हवावे कंपनी का नाम तो सुना ही होगा और उन्होंने सबसे बेहतरीन मोबाइल अब तक लॉन्च कर लिया है 2019 का, जिसका नाम है हवावे मेट 30 प्रो। दोस्तों इससे पहले हवावे मेट 30 भी आया था और अब हवावे मेट 30 प्रो आ गया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मोबाइल है। इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, इसके बैटरी कैमरे के बारे में बात करें, सब चीज़ लाजवाब है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी बैटरी क्या है, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, दोस्तों इसका कैमरा कैसा है और सारा सब कुछ मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि पाकिस्तान में कब रिलीज़ होगा और इसकी क्या प्राइस है। दोस्तों सारी चीज़ों की मालूम मैं आप लोग को इस वीडियो में आज दूँगा। अगर आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं ऐसी मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं इस मोबाइल के बारे में आप लोगों को डिस्प्ले के बारे में बताता चलूं कि इसका डिस्प्ले 6.47 इंचेस स्क्रीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले, HD स्क्रीन आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है और इसी के साथ आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास भी मिल रहा है इसके अंदर। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास ऊपर लगा हुआ है। आगे इससे भी ज़्यादा दोस्तों मैं आप लोगों को खास बात बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके अंदर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर इसके अंदर लगा हुआ है, ऑक्टा कोर वो भी दोस्तों 9.0 PIE का दोस्तों आप लोगों को शो हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनावट से मोबाइल को बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा डिस्प्ले है। अगर हम लोग दोस्तों इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो वो भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, 1176x2400 का इसका रेजोल्यूशन लगाया गया है। आगे हम लोग अगर दोस्तों इसके बाकी ओवरऑल के बारे में बात करें तो इसका HD डिस्प्ले है, आप लोग HD क्वालिटीज़ में वीडियोस देख सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर मूवीज़ आप लोग जितना चाहे देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी मेमोरी के बारे में, रैम के बारे में, तो इसके अंदर दोस्तों बिल्ट इन मेमोरी है 512 GB, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल बात है। दोस्तों कमाल की बात है कि इसके अंदर 512 GB बिल्ट इन मेमोरी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 8 GB रैम। दोस्तों 8 GB रैम कितना पावरफुल मोबाइल होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले जो मोबाइल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है उसके 6 GB रैम 4 GB रैम होते हैं, लेकिन आज इसके दोस्तों 8 GB रैम लगाया गया है। अगर हम लोग इसके एक्सपेंड की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर SD कार्ड का आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर लोग दोस्तों 256 GB तक दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं इसके अंदर SD कार्ड। आप लोग चाहे तो 8 GB का लगा सकते हैं, 16 GB का लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 256 GB तक इसकी रेंज है। अगर हम लोग बात करें इसके मेन कैमरे के बारे में दोस्तों, जो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खास बात है, सबसे ख़ास बात दोस्तों इसके कैमरे और बैटरी की है, क्योंकि कैमरा इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों पे सबसे पहली बात है 3 MP दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है इसके अंदर, ट्रिपल कैमरा, जिसके अंदर पहला कैमरा आप लोग को मिल जाता है 40 MP का, दूसरा कैमरा आप लोग को दोस्तों मिल जाता है 20 MP और तीसरा कैमरा 8 MP। आगे चल के दोस्तों हम लोग इसके फ्रंट कैमरे के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का आप लोग को शो हो जाता है। 32 MP का फ्रंट कैमरा बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। एक आम मोबाइल के अंदर दोस्तों इतना हाई कैमरा नहीं लगाया जाता फ्रंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है इस मोबाइल के लिए। इसका अगर हम लोग सिम्स की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो इसके अंदर दो तरह की आप लोग सिम्स लगा सकते हैं, दो सिम्स लगा सकते हैं, जिसके अंदर 3G 4G नेटवर्क आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग इजीली इसके अंदर 4G चला सकते हैं। इसके अंदर बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों GPS, रेडियो, ब्लूटूथ सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। ब्लूटूथ भी दोस्तों 5.0 दिया गया है, रेडियो भी है। और अगर हम लोग इसकी एक और चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, इसके अंदर Type-C USB आप लगा के चार्ज करेंगे, एक नॉर्मल आप लोग दोस्तों आप लोग एक नॉर्मल डेटा केबल से चार्ज इस पर नहीं कर सकते, आपको Type-C लीड लेनी पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए। आगे अगर हम मैं इसके सेंसर के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो इसका सेंसर आप लोगों को मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर, दोस्तों आप लोगों को वो सारे सेंसर इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि एक बड़े मोबाइल के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों S10 या S10 Plus। अगर आप लोग उसके ऊपर भी वीडियो दोस्तों देखना चाहते हैं तो आप लोग को आई बटन में शो हो रहा होगा। इसी के साथ मैं आगे आप लोग को ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर जैक के लिए 3.5 mm जैक भी दिया गया है। आप लोगों को ऑडियो सुननी है तो आप लोग उसमें भी आराम से सुन सकते हैं, वरना दोस्तों बड़े मोबाइल्स के अंदर जैक हटा दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ है जैक।
इसके अंदर दोस्तों टॉर्च भी दी गई है, फ्लैश आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर्स खींचने के लिए, अपने काम के लिए, जो भी आप लोग चाहे। तो बहुत ही अच्छा फ्लैश इसके अंदर दोस्तों दिया गया है, काफ़ी अच्छा जो है इसके ऊपर पिक्चर्स पे दोस्तों इफेक्ट पड़ता है फ्लैश के ज़रिए। अगर हम लोग इसके एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर बात करें तो आप लोग को यहाँ पर दोस्तों जो खास बात मिल जाती है बॉडी के, आप लोग को यहाँ मिल जाता है एलुमिनियम फ्रेम दोस्तों, फ्रंट और बैक के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है एलुमिनियम फॉइल दोस्तों। एलुमिनियम का जो आप लोग को यहाँ फ्रेम मिल रहा है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ही दोस्तों मोबाइल आपका ये गर्म होगा तो इसका कोई टेंशन की बात नहीं होगी कि मोबाइल फट जाएगा या इस तरह की कोई इशू दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर लगाया गया है एलुमिनियम का फ्रेम। आगे आप लोग को ये भी बात बताता चलूँ दोस्तों कि इसकी बैटरी दी गई है 4500 mAh की दोस्तों इसके अंदर बैटरी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है दोस्तों। अगर मैं S10 Plus की बात करूँ दोस्तों तो उसके अंदर भी इस तरह की दोस्तों ज़बरदस्त बैटरी नहीं दी गई, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड 27 W की बैटरी लगाई गई है कि आप लोग फास्ट चार्जिंग बैटरी, इसको फास्ट चार्जिंग से दोस्तों आप लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। अगर बैटरी दोस्तों गर्म भी होगी तो कोई ख़तरा नहीं है, इसके ऊपर पूरा एलुमिनियम का फ्रेम लगाया गया है। अगर हम लोग दोस्तों इसके ओवरऑल रेटिंग की बात करें, जो कि पब्लिक रेटिंग आप लोग को यहाँ मिल जाती है, तो आप लोग को शोहरा का डिज़ाइन इसका मिला है 10 में से 9 वोट दोस्तों इसको डिज़ाइन के दिए गए हैं। रेटिंग फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी ज़्यादा कमाल के फीचर्स इसके अंदर लगाए गए हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ मिल जाती है 10 में से 9 रेटिंग फीचर्स की भी। परफॉर्मेंस की दोस्तों लोगों ने इतनी ज़्यादा कोई रेटिंग इसकी नहीं दी है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं, क्योंकि इसके दोस्तों मिली है 10 में से 7 इसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है, आप लोगों को शो हो रहा होगा। आगे हम लोग कैमरे और बैटरी की बात करें, जो कि इसकी खास बात थी, तो आप लोगों को यहाँ बैटरी और कैमरे पे 10 में से 10 रेटिंग दोस्तों देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास बात है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इस मोबाइल को कैमरे और बैटरी के लिए दोस्तों, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। आप लोग को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग और ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इसकी दूसरे मोबाइल के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हवावे में 30 Pro का एक और वर्जन आया है जो कि लाइट है, अगर आप लोग उस मोबाइल के बारे में स्पेसिफिकेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कर दीजिए कमेंट, मैं आप लोग के लिए उस मोबाइल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।